जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। दोस्तों, आज की वीडियो वाकई में बड़ी ही बेहतरीन होने वाली है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए काम पर सीधा बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मामला फंस गया है, तानी भी ख़त्म हो गया है और साड़ी भी अभी पूजा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब तानी ख़त्म हो गया हो और कॉटन ना हो या बहुत कम हो, तो आपको साड़ी कैसे पूजाना है? अब देखिए, कॉटन केवल इतना ही है, मुश्किल से 1.5 मीटर है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ये देखिए, पाइप में से बिल्कुल निकलने वाला है, ये जो जुट्टी लगाया गया है तानी का, ये पाइप में से अब छटकने वाला है। अगर हम और ज़्यादा चलाएंगे तो छटक करके बाहर आ जाएंगे। तो इसी पे आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसी टॉपिक पे, ताकि आपको बता सकें कि ऐसी कंडीशन में कैसे काम चलाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आज की वीडियो आपके लिए ख़ास तौर से होने वाली है। अब देखिए, इसमें करना क्या है आपको, सीधे सीधे मशीन को यूं कर लेना है, बिल्कुल आगे की तरफ कर लेना है कपड़े की तरफ, और फिर जितना भी तानी बचा हुआ है उसको काट करके आप छोटा ना करें। सबसे पहला काम, इस तुरियो को, जो तुरिया ऊपर नीचे लगा रहता है तानी की तरफ, इसको हम टाइट करके बांध लेते हैं, ताकि हम आसानी से जुट्टी लगा सकें, ताकि अब जो दूसरा तानी है उसे लगा करके एक में गांठ मारने में आसानी हो सके, ताकि ढील टाइट ना होने पाए जुट्टी। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चलाएंगे कैसे, तो आपको बता ही देते हैं कि इसमें करना कुछ नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पहले पाइप को बांध दीजिए, ऊपर नीचे दोनों तुरिया को कादे से टाइट करके बांध दीजिए, ताकि नीचे न गिरने पाए ढीला होने पर। उधर भी बांध दिए, दोनों तरफ बांध देंगे तो ठीक रहेगा। अब करना आपको यही है कि इसके पहले जो तानी आप बनवा करके रखे हैं उसी को इसमें लगा लेना, फिक्स कर लेना है, और उसी तानी के जुट्टी में ये जो ऊपर वाला ख़त्म हुआ तानी है इसकी जुट्टी को हम बांध देंगे। बस बराबर बराबर टुकड़ों में बांध देना है। कई लोग होते हैं तो साड़ी नहीं डालते, उन्हें जानकारी नहीं होती कैसे चलाया जाए, तो काट करके निकाल देते हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं करना है। नुकसानी से बचने के लिए हम आपको ये तरीका बतला रहे हैं, ताकि आपका एक साड़ी का तानी नुकसान न होने पाए, उससे आपको फ़ायदा मिल जाए। तो इस तरीके से पहले नीचे से छटका करके पाइप में से इसको टाइट करके ऐसे ही बांध लें। जितनी भी जुट्टी है ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी जुट्टियां हैं, सबको ऐसे टाइट करके बांध लेंगे, ताकि हमें काम करने में और सहूलियत हो सके, आसानी हो सके। और आपको जो नया तानी बना करके रखे हैं उसको लगाने में और जगह मिल सकेगा, ऊपर नीचे हमें इसको ले जाने में अच्छे ढंग से जगह मिल जाएगा, क्योंकि तानी तो अभी इसी को चलाना है, हमें साड़ी पूजाना है और आधा मीटर भी बाकी है साड़ी पूजने में, तो आधा मीटर कम पड़ गया। अगर आधा मीटर और काटन होता तो साड़ी पूज सकता था, लेकिन काटन अगर 1 मीटर भी बचा हुआ है, इसमें तो 1.5 मीटर बचा था, अगर 1 मीटर भी बचा हुआ है तो भी आप साड़ी पूजा सकते हैं। बस इसी तरीके से, जिस तरीके से हम अभी काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी करना है। चार जुट्टी दोस्तों हम बांध चुके हैं, अब पांचवा जुट्टी जो है कि इसको टाइट करके इसी में लपेट देना है खाली। उसके आगे क्या प्रोसेस करना है वो भी हम आपको बतलाने वाले हैं, और आप देखते रहिए बस। हमारा कंटेंट ऐसा रहता है दोस्तों कि ज़्यादा बोलने का कुछ मौका नहीं मिलता है, बोलेंगे भी क्या, काम पूरा देख रहे हैं आप, आपको कैसे करना है, जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं हम उसे बता देते हैं। पावर लूम से जुड़ी जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितनी भी
परेशानियाँ हैं, सबकी वीडियो आपको बारी बारी से मिल जाएगी। अब देखिए इधर इतना जगह मिल गया है ऊपर नीचे, आसानी से आप तानी को ले जा सकते हैं, वरना नीचे होता तो ले जाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। पहले साफ़ सफाई कर लेंगे, पुट्ठा वगैरह निकाल करके आपको जगह बना लेना है अच्छे से, क्योंकि जगह तो वैसे भी कम है। अब आपको वहाँ पर खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो स्पेस तो चाहिए आपको काम करने के लिए ना। अब देखिए इस तरीके से आपको तुरिया जो तानी बना हुआ है पहले से बन करके रखा है पावर लूम पे, दोस्तों ऐसा ही होता है कि तानी सटने से पहले दूसरा वाला तानी वार्प जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसे रेडी करके रखा जाता है ताकि तानी सटे तुरंत फिर इसकी पीसिंग की जाए। इसको उसी तरीके से मिला देते हैं जैसे हर बार मिलाया जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कला नहीं है। अब ये पहले इसको खोल लीजिए जुट्टी इस तरीके से, पाइप को अच्छे तरीके से मिला लीजिए उसके घाटों में। अब ऊपर जितना भी जुट्टी है, चार पाँच छः जितना भी जुट्टी है, आपको नीचे भी एकदम बराबर साइज का गांठ मारना है जुट्टी में, पांच जुट्टी नीचे भी करना है। इस तरीके से देखिए ये लपेट लिया गया, खाली गट्ठी कहीं भी फंसाया नहीं गया, केवल लपेट दिया गया इसी में ऊपर वाले रॉड में सॉफ्टिन में, ताकि आपको काम करने में आसानी हो सके। ऊपर की जुट्टी देखिए कितनी है, एक दो तीन चार पाँच, पांच जुट्टियां हैं। तो अब इस धागे को पकड़ करके काट लेते हैं और एक फेरा आप उधर नीचे की तरफ घुमा देंगे तो अपने आप खुल करके बड़ा हो जाएगा, आपको चक्कर नहीं घुमाना पड़ेगा तानी ढीलने वाला। हैंडलूम पे पहले ये होता था कि तानी जब सट जाता था बिल्कुल, काम एक दिन दो दिन के लिए बंद किया जाता था, हम उसको तानी बनवा ले जाते थे उसी तुरिया पर, उसी लपेटन पर हमें तानी बनवाना होता था। उसमें एडवांस लपेटन तुरिया कोई नहीं रखा जाता था। जब तानी सटता था तो काट पीट के पहले तानी बनने के लिए दिया जाता था, एक दो दिन मशीन बंद रहता था हैंडलूम पे। लेकिन पावर लूम में ऐसा नहीं होता है, पावर लूम में जब भी तानी सटता है तो एडवांस में तानी बना करके रखा रहता है। सारी जुट्टियाँ नीचे की तरफ खोल ली हैं हम, ध्यान इतना ही देना है कि जो भी जुट्टी लगाएं, जैसे ऊपर पांच जुट्टी है तो नीचे भी पांच जुट्टी लगाना पड़ेगा, और गांठ इस तरीके से मारना है आपको कि सारे गांठ सबकी लंबाई एक बराबर होनी चाहिए, ऊपर वाले की भी नीचे वाले की भी। ऊपर वाला जो अभी निकाले हैं लपेटन में से वो तो लगभग सेम है, सेम लंबाई है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन जो नया वाला तानी है इसे देखिए लपेट करके और छोटा करना पड़ रहा है हमें, अभी जो गांठ मारा गया है उसमें पहले से उसको खोल करके फिर से दो चारों जो भी पांच जुट्टियां हैं पांचों जुट्टी को बिल्कुल बराबर बराबर गांठ मारना है एक साइज का, ताकि आपका कपड़ा में कोई कमी ना आने पाए, ढील टाइट ना होने पाए जुट्टी, जुट्टी बराबर लगनी चाहिए एकदम। अगर जुट्टी एक बराबर नहीं लगेगी तो कोई जुट्टी ढीला रहेगा कोई जुट्टी टाइट रहेगा, तो कपड़ा भी उसी तरीके से आएगा आपका ना। ध्यान यही देना है बस गांठ मारने में कि जुट्टी एकदम बराबर होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। नया वाला तानी में केवल चार जुट्टी है तो इसमें खोल करके पांच जुट्टी बना लेना है। जुट्टी का मतलब दोस्तों आप नहीं समझ रहे होंगे तो बता दे रहे हैं कि सेक्शन,
पांच भागों में डिवाइड कर देना है इसको, नीचे वाले को भी। अभी जो नीचे हम खोल रहे हैं ये तानी 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 का सिरा, उसमें पांच जुट्टी बनाना है, चार जुट्टियां हैं, फोर सेक्शन है, तो डिवाइड करना है हमें फाइव सेक्शन में। अपने आंकड़े से कर लीजिए, थोड़ा सा कम या ज़्यादा चलता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा यार हमें इंग्लिश भी इसमें बोल देना चाहिए, ताकि दूर दूर देखने वाले हमारे व्यूवर्स को कोई दिक्कत न होने पाए समझने में कोई बात। बहुत से लोग हिंदी समझ जाते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग ठेठ भोजपुरी में भी बात बोल देते हैं। अब भाई बनारस के रहने वाले हैं तो अपना बनारसी भाषा भी उसी में चाँप देते हैं। तो थोड़ा सा हमें भाषा का भी ध्यान रखना होगा कि ताकि लोग समझ जाएं। अभी देखिए हम इसको जितने भी ढीले हैं ताग, वार्प के जितने भी तार ढीले हैं उसको ऐसे मिला लेना, आपको बराबर टाइट कर लेना हाथ से शुरू के। और देख लेना है कि जुट्टी कहाँ पर हमारा बराबर आएगा। ऊपर वाला हिस्सा तो ठीक है, अब नीचे वाले को जब भी गांठ मारना है एक साइज में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बार बार इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मेन पॉइंट तो यही है। देखिए पांच जुटियाँ हैं, हम गिन चुके हैं, तो नीचे भी हमें पांच जुटियाँ बना चुकी हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच, नीचे जो भी गांठ लगाएं बिल्कुल बराबर एक साइज में लगना चाहिए। अब देखिए इसको फंसा चुके हैं इस तरीके से गांठ में, अब ये गांठ छटकने वाला नहीं है। अब इसको टाइट करेंगे तानी को घुमा करके, और आपको दिखाएंगे कि देखिए बराबर हो गया है कि नहीं। देखिए ये बराबर हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार हाथ रख के, ठीक है ये भी ठीक है। चेक कर लेना ज़रूरी है, सारे के सारे ठीक हैं। अगर ढीला हुआ कोई तो उसे भी फिर से गांठ लगा करके थोड़ा सा टाइट कर लेना है, बराबर कर लेना है मतलब। अब इसको हम चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपका साड़ी पूछ जाना चाहिए। जो आधा मीटर छोटा हो रहा है साड़ी, अब उतना हमें चला करके पूरा कर लेना। एक दो ताग रहेंगे लास्ट में तो चला भी सकते हैं, और नहीं चलाना चाहते हैं तो आप उसको जोड़ करके कहीं से भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब तानी ख़त्म हो गया है। ये देखिए एक दो ताग तो हर जगह मिल रहे हैं हमें, तो ख़त्म हो जाता है तानी, तो ताग तो मिलेंगे ही भाई, इसमें नो डाउट। अभी देखिए कपड़ा इतना छूटा हुआ, क्योंकि ढीला हो गया तानी उधर से, तो कपड़ा पीछे की तरफ भाग गया, तो इसे भी बराबर कर लेना है, फन्नी में सटा लेना है आपको। जो रीड है रीड में बिल्कुल टच करा लेना है, रीड में टच करा करके तानी को टाइट कर लीजिए, और ज़्यादा ठोक लगे तो थोड़ा सा खींच लीजिए कपड़ा। अब देखिए ठीक है, अगर मशीन चलाने पर ज़्यादा टाइट लगेगा ठोक कि ज़्यादा ठोक रहा है, तो हल्का सा खींच लेना है आपको। अगर हल्का सा ठोक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के क्वालिटी पे, बाकी बहुत सारी क्वालिटियाँ होती हैं जिनको एकदम बिल्कुल बराबर बराबर देना पड़ता है बना करके। इधर भी देखिए एक दो ताग हैं, अब बारी आती है चला करके देखने की। अभी इतना ही नहीं, अभी जब लास्ट में जो प्लेन वाला कपड़ा चलेगा उसको भी आपको चला करके दिखाएंगे कि साड़ी हमारा पूज गया है, ताकि आपको यकीन हो जाए अच्छी तरीके से कि नहीं काम सक्सेसफुल हुआ है और ये वीडियो हमारे बहुत काम की है।
जहाँ पर ठोक रहा है दोस्तों कपड़ा, रीड कोट जहाँ पर ठोक रहा है, वहाँ से जो क्रैंक वाला शाफ्ट है, क्रैंक वाला शाफ्ट वो बिल्कुल आधा मीटर रहता है, एकदम एक्यूरेट आधा मीटर वहाँ से रहता है कपड़े के जड़ से। ये जो क्रैंक वाला शाफ्टिन है बिल्कुल वहाँ एग्जैक्ट आधा मीटर रहता है। अभी देखिए वही नया वाला तानी लगा करके चला रहे हैं। अब यकीन हो गया कि साड़ी ख़राब नहीं होगा, साड़ी को हम भी पूजा सकते हैं। अगर एक मीटर भी कॉटन बचा हो तो भी आप लगा करके चला सकते हैं। एक मीटर का मतलब तो आप समझते ही हैं। फिर आप ताक को अच्छे तरीके से देखिए, ये अब साड़ी हमारा पूजने के करीब है, बस पूजने ही वाला है। एक गिरा, चार अंगुल, आठ अंगुल और चलेगा, उसके बाद साड़ी द एंड। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। बाकी भाई देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख लीजिए द एंड तक।